नमस्कार मित्रों, जय महाबली। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, स्वयं संकट मोचन महाबली जी करेंगे आज के दुश्मनों का अंत। जी हाँ दोस्तों, अगले दो दिनों के भीतर आपके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने दुश्मनों का अंत देखने के लिए तैयार हो जाओ। अगले दो दिनों के भीतर बहुत बड़ा कांड होगा, वो भी आपके दुश्मनों के साथ। क्योंकि दोस्तों, संकट मोचन प्रभु महाबली जी गुस्से से लाल हो चुके हैं। अब जो होगा इससे आपके दुश्मन सदमे में चले जाएंगे। इस धरती पर पहली बार इस तरह की घटना होने वाली है, वो भी अगले दो दिनों के बीच। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि संकट मोचन हनुमान जी सभी प्रकार के संकटों को नाश करने वाले देवता हैं, इसलिए इनको संकट मोचन संकट हरण कहते हैं। भगवान संकट मोचन अच्छों के साथ अच्छा करते हैं और बुरे लोगों के साथ बुरा ही करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले दो दिनों के बीच आपको एहसास होगा, आपको पता चलेगा कि सच में इस दुनिया में भगवान है। कौन कहता है इस दुनिया में भगवान दिखाई नहीं देते हैं? अरे मूर्ख, इस दुनिया में भगवान देखते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन इस बात का एहसास, इस बात का पता किसी को नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आप जो भी कर रहे हैं वो भगवान के मर्जी से ही हो रही है, क्योंकि भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं डुलता है। जी हाँ, उनके बिना हमारा श्वास भी चलना मुश्किल हो जाता है। जो लोग सोचते हैं इस दुनिया में नहीं 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 है भगवान, उन्हें अगले दो दिनों के बीच इस बात का एहसास होगा, क्योंकि स्वयं महाबली जी कुछ ऐसे चमत्कार दिखाने वाले हैं जो कि दोस्तों आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। परंतु दोस्तों, यह हकीकत है, यह सच है। देखिए दोस्तों, ऊपर वाले को भगवान की लाठी जब पड़ती है तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन चोट बहुत ज्यादा लगती है। क्योंकि दोस्तों, ऊपर वाले न्याय की चक्की जरा धीमी चलती है, लेकिन हिसाब किताब बहुत अच्छे से होता है। इसलिए दोस्तों, किसी से डरिए या ना डरिए, लेकिन ऊपर वाले भगवान से और अपने कर्मों से जरूर डरिए। क्योंकि दोस्तों, आपके कर्म के अनुसार ही आपको दंड भी मिलता है और आपको फल भी मिलता है। आपका कर्म बहुत मैटर करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात समझ आई हो तो अभी भी संभलने का वक्त है, क्योंकि भगवान एक चांस सबको देता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में हम एक से दो उपाय बताए हैं, ये उपाय आप जरूर कीजिएगा, आपको अपने जीवन में बहुत बड़े लाभ देखने को मिलेगा। सबसे पहले प्रभु महाबली संकट मोचन हनुमान जी के जो भी सच्चे भक्त, सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय महाबली संकट मोचन हनुमान जी लिखेगा, उन्हें भगवान संकट मोचन हनुमान जी के साथ साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव बना रहेगा। तो आप जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे और सुंदर अनमोल बयान से। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें सच्चे मन से राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों, आने वाले अगले दो दिन आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव लेकर आने वाले हैं। आपके जीवन में कभी सही चलेगा तो कभी दिक्कतें होंगी, क्योंकि दोस्तों ये ग्रहों की चाल का प्रभाव है। जब ग्रहों की चाल सही होगी तब आप सही ढंग से चलोगे, जब ग्रहों में उतार चढ़ाव होगा तो आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव होगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले दो दिन आप अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों दुर्घटना होने की आशंका लग रही है। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपका दुश्मन अंदर ही अंदर आपको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जी हाँ, और वो आपके इर्द गिर्द भटक रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप सतर्क नहीं हुए, सावधान नहीं हुए, तो अगले दो दिनों के बीच अनर्थ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने वाले अगले दो दिन आपके विरोधी
आपके दुश्मन बहुत सक्रिय रहेंगे। जी हाँ, उनकी निगाहें आपके ऊपर बनी हुई है, आपके धन दौलत पर, आपके संपत्ति पर है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों अगर उनसे आप छुटकारा पाना चाहती हैं तो आपको प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करनी है और उनकी पैर का जो सिंदूर है अपने अंगूठे से अपने मस्तक पर लगानी है। इससे दोस्तों आपके ऊपर भगवान संकट मोचन हनुमान जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपका दुश्मन, आपका विरोधी बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, संकट मोचन हनुमान जी में इतनी शक्ति है, उनका नाम लेते ही दुश्मनों के छक्के छूटने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले दो दिन कुछ समय धार्मिक व आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए जरूर निकालें, इससे मानसिक शांति बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी किसी व्यक्तिगत बात को लेकर परिवार में कोई तनाव उत्पन्न हो सकता है, बेहतर होगा आप अपने स्वभाव के प्रति आत्मचिंतन अवश्य करें। जी हाँ, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। कुछ लोग आपको बेवजह परेशान करेंगे, इधर उधर घुमाने फिराने में आपका समय व्यर्थ करेगा, लेकिन दोस्तों आपको इस पर ध्यान देना है क्योंकि ऐसे लोग खुद तो कुछ नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ आपको भी कुछ नहीं करने देंगे। तो इन लोगों से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ध्यान केंद्रित करें। ध्यान रखोगे कभी कभी नकारात्मक विचार आपके मनोबल को कमजोर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको डिमोटिवेट फील हो, अगर आपको मन में कोई टेंशन, मन में कोई बात को लेकर दुविधा की स्थिति रहे, तो आपको अपने यह बात उन लोगों से शेयर करनी है जो आपका सबसे करीबी है, जो लोग आपका सबसे खास है। जी हाँ, पर्सनल लाइफ संबंधित किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से परहेज करें। आने वाले अगले दो दिन रिस्क वाले कार्यों से अभी आपको दूर रहना होगा, क्योंकि दोस्तों नुकसान होने की आशंका लग रही है। कार्यक्षेत्र में लाभ की अपेक्षा मेहनत की अधिकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मेहनत ज्यादा होगा, लाभ कम स्थिति देखने को मिल सकती है, परंतु फिर भी आप पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे। अपने संपर्क सूत्रों द्वारा आपको कोई बेहतरीन ऑर्डर मिलने की स्थिति बन रही है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को मन मुताबिक कोई उपलब्धि मिल सकती है अगले दो दिनों के बीच। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले दो दिन सूझबूझ और विवेक से समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। ऑनलाइन शॉपिंग में मस्ती वाली गतिविधियों से समय बीतेगा और किसी निकट संबंधी के घर जाने का निमंत्रण मिल सकता है। अन्य गतिविधियों में व्यस्तता की वजह से आपका खुद का कोई महत्वपूर्ण काम अधूरा भी रह सकता है, परंतु अपने दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर भी रखना बहुत जरूरी है। बच्चों की गतिविधियों तथा संगति पर कड़ी नजर रखें, अन्यथा गलत संगति लगने के कारण उनका कैरियर खराब हो सकता है। लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय घर की सुख सुविधा संबंधित वस्तुओं की शॉपिंग होगी। प्रेम संबंधों में जो है पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है। एक दूसरे पर नजर रखें और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अब समय आ चुका है उपायों की, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखिए दोस्तों, अचानक धन लाभ की तमन्ना है तो सफेद रंग की ध्वजा पीपल के वृक्ष में लगाना है। जी हाँ दोस्तों, और सोने कुएं पर दीपक जलाने से शत्रु समन व अचानक धन लाभ की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, दीपक रात्रि के समय या शाम के समय जलाना है और दीपक जलाने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा।